पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की। प्रोजेक्ट आप लोग कॉलेज में करते हो, प्रोजेक्ट में कई लोग सीरियस नहीं होते हैं। बिलीव करो, ये आपकी सबसे पहली मिस्टेक आपके करियर की यहां से स्टार्ट हो जाती है, प्रोजेक्ट्स। आपको कौन से फील्ड में जाना है पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है कि ऑल इन वन से पहले चेक कर लो कि मुझे किस में जाना है। तो अब जब प्रोजेक्ट आप चूज कर रहे हो तो आप डिसाइड करो कि प्रोजेक्ट कौन से डोमेन का लेना है मुझे। मतलब अगर आपको इन फ्यूचर स्टील स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट है तो आप बिलीव करिए, भले आप स्टील के रिलेटेड ही प्रोजेक्ट करिए कॉलेज में। अगर आपका इंटरेस्ट प्रीकास्ट में है तो प्रीकास्ट से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट करिए कॉलेज में। अगर आपका स्ट्रक्चर, आपका जो इंटरेस्ट है वो हाई रेंज बिल्डिंग्स में है तो आपका प्रोजेक्ट भी आप हाई रेंज स्ट्रक्चर्स में करिए। अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो क्या बोलते हैं सर्वे में है तो सर्वे से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट करिए। कुल मिला के प्रोजेक्ट ऐसा करो जो कि आपके करियर को बूस्ट करने में हेल्प करे। आप बोलोगे सर प्रोजेक्ट कॉलेज का और कैरियर को बूस्ट क्या, इनका रिलेशन क्या है? इनका रिलेशन ये है कि जब आप फ्रेशर आते हो मेरे पास फॉर इंटरव्यू तो मैं देखता हूँ यार ये तो फ्रेशर है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसने कॉलेज जो प्रोजेक्ट किया होगा उसमें से मैं जज करता हूँ उसको कितना आता होगा। अब मैं बनता हूँ किस इंडस्ट्री का, मैं बनता हूँ आरसीसी इंडस्ट्री का। आपने प्रोजेक्ट कर रखा है हाइड्रोलिक्स में, अब सीधी सीधी बात है मेरे पास आपकी सीवी आई, ठीक है। अब मैं क्या पूछूंगा आपसे सीवी में, क्यों? मुझे तो नॉलेज है आरसीसी का, आप हाइड्रोलिक पढ़ के आए हो, मतलब आपका प्रोजेक्ट जो था वो हाइड्रोलिक में था। तो मैं जब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं हाइड्रोलिक से रिलेटेड बहुत कम पूछ पाऊंगा क्योंकि मुझे ही नॉलेज नहीं है, जो इंटरव्यू ले रहा है उसको हाइड्रोलिक से रिलेटेड नॉलेज नहीं है। क्यों? मेरा काम ही आरसीसी में, तो मैं हाइड्रोलिक कैसे जानता रहूंगा। तो अब अगर आपने प्रोजेक्ट ही कर रखा है आरसीसी में, क्या कर रखा है प्रोजेक्ट ही कर रखा है आरसीसी में, बिलीव करिए इतना बेहतरीन आपका इंटरव्यू होगा। क्यों? आपका आरसीसी का प्रोजेक्ट था, मेरे पास क्वेश्चन पूछने के लिए हो गया, आपका फेस टू फेस राउंड बहुत अच्छे से क्लियर होगा 110%। अगर आपको जिस इंडस्ट्री में जाना है ये पता है, उसी से रिलेटेड कॉलेज में प्रोजेक्ट कर रखा है तो ये बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है क्योंकि फ्रेशर से सबसे ज्यादा पूछे व्हाट वाज योर प्रोजेक्ट। ओके, एचआर को भी कुछ नहीं आता फिर भी ये पूछेंगे, कोई एचआर देख रही है तो बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई यही है कि वो भी प्रोजेक्ट देते हैं। व्हाट वाज योर प्रोजेक्ट? ओके, दिस वाज जी प्लस टू प्रोजेक्ट। ओके, देयर वाज सेस्मिक एनालिसिस, जो तुम लिखे लोगे वही बकबक करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि एचआर के पास भी नॉलेज नहीं हो फिर भी वो तुमसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही पूछेगी, और टेक्निकल भी जो जाओगे फेस टू फेस उसमें भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का पूछते हैं। तो इस तरीके से हेल्प करता है प्रोजेक्ट। मैं कई सारे बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आपने, चलो ठीक है बिजनेस हो तो आप अभी तो समझ गए कि किस में जाना है मुझे, तो उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट किए। लेकिन अगर ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी फाइनल ईयर पास कर चुके हैं, वो भी इंटरव्यू में जा रहे हैं और उनका प्रोजेक्ट किसी और चीज से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है और जाना उनको स्टील में है, तो बिलीव करो मैं आपको बेस्ट सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। वैसे तो ये नहीं करना चाहिए, बट अगर आपके पास किसी भी स्टील से रिलेटेड डीप नॉलेज है तो आप एक रफली प्रोजेक्ट बनाओ किसी को दिखाने के लिए, नहीं खुद को पढ़ने के लिए, और उससे रिलेटेड आप अपनी सीवी मेंशन करो कि मैंने ये किया। डेमो प्रोजेक्ट कर लो, ठीक है, मैं स्टैंड प्रो में सब में मैं कराता हूँ डेमो प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट कर लो एक कोई भी स्टील में या फिर आरसीसी में जिसमें भी आपको करियर बनाना है, वो प्रोजेक्ट लिखो अपनी सीवी में, बहुत स्ट्रांग होता है वो प्रोजेक्ट लिखना ही, मतलब इतना पॉजिटिविटी आ जाती है कि यार ये बंदा इस चीज से रिलेटेड पहले से ही क्लियर था कि मुझे इसी में जाना है। तो आपने प्रोजेक्ट अपनी सीवी में, कॉलेज वाली सीवी, कॉलेज वाला प्रोजेक्ट हटा के आपने जो डेमो प्रोजेक्ट इंटर्नशिप में किया है या फिर कहीं पर किया है, कहीं कुछ सीखा है, वो लिख दो, बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए ये बात हो गई प्रोजेक्ट की, होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अब बात करते हैं इंटर्नशिप से। भाई इंटर्नशिप का क्या पड़ा है? इंटर्नशिप ऐसी समस्या है कि एक लड़का था, तो MBA का था, सिविल का नहीं, MBA का था, उसको फाइनेंस में उसने MBA किया था। किसमें? फाइनेंस में MBA किया था। आप सब में से कई लोग जानते होंगे फाइनेंस के बारे में। बट उसने क्या किया, उसके बाद उसने मार्केटिंग की जॉब कर ली, कुछ सेम्पो उम्पो बेचने वाली कंपनी थी, मार्केटिंग की जॉब कर ली इंटर्नशिप के लिए। कितने दिन के लिए? 45 दिन के लिए, 45 डेज के लिए इंटर्नशिप कर लिया उसने, किसमें? जो सेम्पो या जो भी कुछ बेचने वाली प्रोडक्ट्स थे। अब समस्या क्या हुई, इसके बाद इंटर्नशिप कंप्लीट हुई, उसने तो सर्टिफिकेट कॉलेज में दे दिया दिखाने के लिए। अब प्रॉब्लम यह हुई कि अब जब वो दे रहा है किसी को भी सर्टिफिकेट, सॉरी किसी के यहाँ जा रहा है अपने इंटरव्यू के लिए, तो सबसे पहला फोकस होता है जो वो हमेशा इंटर्नशिप पे और प्रोजेक्ट्स पे होता है। तो प्रोजेक्ट तो MBA का पता नहीं रहता है कि नहीं, बट उसने जो मुझे बताया उसका इंटर्नशिप का था। तो इंटर्नशिप जैसे ही कोई देखता वो क्या बोलता है, यू हैव लाइक यू डिड योर इंटर्नशिप इन मार्केटिंग एंड दिस जॉब इज फॉर फाइनेंस।
तो वो कोरिलेट नहीं कर पा रहे थे वो लोग, वो सोचे कि इसको देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अब वो लड़के के भी जो लैंग्वेज थी वो निकलती थी कैसे, मार्केटिंग वाला, क्योंकि उसका जो उसने जो सीखा था एक्चुअली कॉलेज में तो कुछ सीखा नहीं फाइनेंस का, बट मार्केटिंग का जो सीखा वो मार्केटिंग का टिप्स वो उधर दे रहा था, तो उनको लगता है यार ये बंदा मार्केटिंग में ही अच्छा है, ये फाइनेंस में क्या करेगा। अब उसका ड्रीम था फाइनेंस, बट वो मार्केटिंग वाला ही रह गया। अब उसने करियर स्टार्ट कर दिया, 2-3 साल तक उसने अपना घसीट दिया लाइफ। अब क्या होगा, अब उसने अगर सोचा भी कि मैं फाइनेंस में जाऊं तो बोलेंगे पहले तो लेंगे नहीं, लेंगे तो 12-15 हज़ार से लेंगे, समस्या होगी इसके लिए। सेम सिविल इंजीनियर्स के लिए भी होती है इंटर्नशिप। कई लोग मैंने खुद भी ये गलती की थी, PWD से हमने इंटर्नशिप कर लिया, ठीक है, अब बिलीव करो मैं कभी नहीं गया इंटर्नशिप करने के लिए PWD, मतलब देखने के लिए भी नहीं गया, उन्होंने सर्टिफिकेट भेज दिया था, मतलब जाके मेरा दोस्त गया था लेके चलाया था। अब वहां लर्निंग क्या मिली भाई, ठीक है, कोई लर्निंग नहीं मिली। तो फिर मैंने पास आउट होने के बाद एसके दुग्गल सर के साथ मतलब वहाँ पर MNIT में हमने वो कर लिया, इंटर्नशिप कर लिया छोटा सा, जो कि लैब का इंटर्नशिप था, जिसके अंदर सारी टेस्टिंग वगैरह वगैरह पूरा का पूरा मैंने RCC स्टील को बहुत डीप में समझ लिया, कौन से टेस्टिंग होती है, कॉम्प्रेशन टेस्ट क्या होता है, सॉइल की टेस्टिंग कैसे करते हैं, रिपोर्ट कैसे आता है, एवरीथिंग वहाँ पर मैंने सीख लिया MNIT में। तब जाके मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि भाई मुझे कुछ सिविल इंजीनियरिंग आता है। लेकिन PWD वाले क्या हुआ था, मैं कभी गया नहीं, रोड कैसे बनी होगी मैंने देखा नहीं, अब समस्या ही समस्या कि इंटरव्यू में जाऊंगा तो फिर PWD के बारे में क्या बताऊंगा, तो मैंने वहाँ टाई दिया। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना मेंशन किया है MNIT का जो हमने इंटर्नशिप किया था सीखने से रिलेटेड। तो ये वैल्यू होती है इंटर्नशिप की। तो भाई अगर आप फाइनल ईयर में हो या फिर आगे भी इंटर्नशिप आप करने की सोच रहे हो, उस फॉर्म में करो, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए चलेगा, उस फॉर्म में करो जिसमें आपको करियर बनाना है मेरे भाई, नहीं तो बहुत दिक्कत रहेगा। और फिर स्विच करने में जितनी समस्या आती है वो आपने लास्ट वीडियो जो मैंने बताया था उसके कमेंट्स पढ़ना, तो आपको खुद ही समझ आएगा कि बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, जिससे कि आपको भी उस जो भी लोग पढ़े उस कमेंट्स को, उनको भी अपना इस चीज़ से रिलेटेड कोरिलेट हो जाए। और मुझे बताना कि जितने लोग इंटरव्यू ले गए थे प्रोजेक्ट से और इंटर्नशिप से क्वेश्चन पूछा था कि नहीं, वैसे मैं बताता हूँ 100% एक अच्छा इंटरव्यू रहा होगा तो जरूर पूछा रहा होगा। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।